सम्मानित मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम लोग अपने इस सेगमेंट में आईपीसी की धारा 88, 89, 92 का जिक्र करेंगे। अभी हम लोग जनरल एक्सेप्शन में चल रहे हैं, तो जनरल एक्सेप्शन में 88, 89, 92 धाराएं एक चिकित्सा व्यवसायी को संरक्षण प्रदान करती हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देती हैं। इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए इधर हाल के दिनों में मेरी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनेक्टमेंट लाए हैं ताकि चिकित्सा व्यवसायी स्वच्छंदतापूर्वक अपनी स्किल का सदुपयोग सोसाइटी एट लार्ज के हित में करें। ये धारा 88, 89, 92 ये नैतिकता के आधार पर है मित्र, कि जो चिकित्सा व्यवसायी अपने स्किल का प्रयोग किसी के भले के लिए करे और उसका दुष्परिणाम उसके सामने आए तो वह आगे आने में भयभीत होगा और इस तरह सोसाइटी एट लार्ज का नुकसान भी हो सकता है। किसी की जान जा रही हो, तत्काल उसे किसी ऑपरेशन की शल्य क्रिया की जरूरत हो और वो डॉक्टर जो है भयभीत हुआ कि नहीं, पिछले प्रकरण में मैंने किया था और हमको लेने की देनी पड़े, कौन जाएगा ऐसे प्रकरण में पड़ने। तो ये इनेक्टमेंट जो है, ये जो धारा है, ऐसे चिकित्सा व्यवसायी को सुरक्षा प्रदान करती है मित्र। धारा 88 की बात करें मित्र, ऐसा कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से न किया गया हो, ऐसा कार्य सहमत देने वाले की फायदा के लिए किया गया हो। जिस व्यक्ति का ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है या वो कोई सद्भावपूर्वक कार्य किया कर रहा हो, वह सद्भावपूर्वक कार्य जो है मृत्यु कारित करने के आशय से, इंटेंशनली ओनली फॉर दैट कि उसका मृत्यु कारित किया जाए, इस आशय से न किया गया हो और यह कार्य सहमत देने वाले के लिए, फायदे के लिए किया गया हो। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट सेक्शन 88 के हैं मित्र। फर्स्ट, अभियुक्त के अपहान सहन करने वाले व्यक्ति को के सहमत से कार्य किया गया हो। अगर वो कोई पीड़ा में व्यक्ति है, तत्काल उसे किसी ऑपरेशन की जरूरत हो, किसी चिकित्सा की जरूरत हो, तो वो अपनी कंसेंट दे रहा है, तो ऐसी कंसेंट के लिए अपहान सहन करने वाले की सहमत से किया गया हो। दूसरा, ऐसा सहमत देने वाला व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक उम्र का स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो। तीसरा, वह कार्य उसकी अभिव्यक्त या इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, स्पष्ट या विवक्षित सहमत से किया गया हो। वह कार्य उसके फायदे के लिए किया गया हो। दैट वर्क इज एग्जीक्यूटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंसेंट गिवर। कार्य उसके फायदे के लिए किया गया हो, कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो मित्र, यह कार्य गुड फेथ में किया गया हो, सद्भाव पूर्वक किया गया हो, यह जानते हुए कि शल्य क्रिया ऑपरेशन से मृत्यु होना संभाव्य है, ख की मृत्यु कारित न करने के आशय से क के फायदे के लिए उसका ऑपरेशन करता है, क ने कोई अपराध नहीं किया। एक व्यक्ति है ख जो इस कदर पीड़ा में है कि अगर उसका ऑपरेशन या शल्य क्रिया न किया गया तो वह मृत्यु हो सकती है उसकी। इसको देखते हुए किसी डॉक्टर ने अगर उसका ऑपरेशन जो है सद्भाव में, गुड फेथ में, उसको आवश्यक समझ करके उसके फायदे के लिए किया हो तो यह कार्य कोई अपराध नहीं है। एक बहुत पुराना प्रकरण है मित्र, शुक्रु कविराज। ये प्रकरण 1887 का है, आज से 133 वर्ष पूर्व का है मित्र। और ये मामला ऐसा था कि 133 वर्ष पूर्व अभी ये शल्य क्रियाएं या मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव नहीं थी, इतनी अप टू द मार्क आज के जमाने की जैसे नहीं थी। एक शुक्रु कविराज वैद्य हुआ करते थे, उन्होंने एक पीड़ित व्यक्ति की ये पाइल्स बवासीर का ऑपरेशन उन्होंने साधारण चाकू से कर दिया और परिणाम ये हुआ कि अत्यधिक स्राव हुआ रक्त का और वह आदमी मर गया। इसके लिए शुक्रु कविराज को दायी ठहराया गया। इस प्रकार मित्र, एक बिहार का पटना हाई कोर्ट का मैटर आया था, दशरथ पासवान वर्सेस बिहार राज्य, 1958 पटना।
मृत्यु इसमें मित्र इसमें प्रकरण में यह था कि मुलजिम जो था अभियुक्त लगातार 10th क्लास में फेल हो रहा था, बार बार 10वीं कक्षा में फेल हो रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूं और मैं अपनी हत्या करूंगा, अपनी आत्महत्या करूंगा। पत्नी ने कहा आत्महत्या अगर आप करेंगे तो आप अपने मरने से पहले हमारी हत्या पहले कर दीजिए, उसके बाद आप अपनी हत्या कीजिए। उसने जो है ताबड़तोड़ हथियार से पत्नी की हत्या कर दिया और पकड़ लिया गया, अपनी हत्या करने से पहले पकड़ लिया गया। इसको जो है दाई ठहराया गया, इसलिए दाई ठहराया गया कि ये जो है उस व्यक्ति के सहमत होते हुए, पत्नी कहती है कि पहले आप हमारी हत्या कर दीजिए, उस व्यक्ति के सहमत होते हुए किसी के मृत्यु कारित करने का आप कार्य करेंगे, किसी कंसेंट लेके उसकी जान मारेंगे, ये कानून आपको प्रोटेक्शन कतई नहीं देता है। तो इसके लिए इनको जो है दायित्वाधीन ठहराया गया। अब मित्र हम लोग सेक्शन 89 की बात करेंगे। 89 सेक्शन जो है मित्र, उस नाबालिग व्यक्ति और किसी मानसिक विकृतचित्त व्यक्ति के लिए सुरक्षण संरक्षण प्रदान करती है कि अगर ऐसे लोगों के फायदे के लिए कोई डॉक्टर एक्ट अपान करता है या कोई भी व्यक्ति उनके फायदे के लिए कोई कार्य करता है तो वह बात अपराध नहीं है, और ऐसा दिया हुआ कंसेंट, ये सहमति जो है उसके अनुसार वो व्यक्ति जो है कार्य करता है। यह धारा 12 वर्ष से कम उम्र के शिशु तथा किसी विकृतचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी संरक्षक का अधिकार देती है कि उसके लाभ के लिए अपहानि हेतु सहमति दे। तो इसकी आवश्यक शर्तें हैं मित्र, कार्य 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या पागल व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो, कार्य सद्भाव में किया गया हो, गुड फेथ में किया गया हो, और जो सहमत दी गई है मित्र, अभिभावक या उस व्यक्ति पर प्राधिकार रखने वाला व्यक्ति द्वारा दी गई हो। सपोज अगर वहां पर सहमत देने वाला कोई उसका अभिभावक नहीं है, गार्जियन, लीगल गार्जियन नहीं है, तो कम से कम लीगल प्राधिकार रखने वाला, विधिक प्राधिकार रखने वाला व्यक्ति से उसकी सहमत लेकर के और वो कार्य किया गया हो। शर्तें क्या हैं? वही शर्तें, आशयित होकर मृत्यु कारित करने के लिए यह धारा प्रोटेक्शन नहीं देती है। ऐसा विस्तार यह जानते हुए कि मृत्यु कारित हो सकती है सिर्फ मृत्यु और गंभीर चोट को निवारित करने के लिए अथवा किसी गंभीर बीमारी या अपंगता दुर्बलता को रोकने के उद्देश्य से होनी चाहिए। ऐसा विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने और स्वेच्छया कार्य करने के लिए नहीं है। वॉलंटरली अगर वो व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित करता है ये इसके लिए नहीं है, बल्कि ऐसा जो धारा की मंशा है वह उस नाबालिग बच्चे के लिए, उस जो है विकृत चित्त पागल व्यक्ति के फायदे के लिए यह कार्य किया गया हो, और ऐसा विस्तार दुष्प्रेरण के किसी अपराध कारित करने के लिए भी नहीं दे मिलता है। अबेटमेंट किया गया हो तो यह धारा जो है प्रोटेक्शन कतई नहीं देगी। मित्र धारा 90, 91 को छोड़कर धारा 92 को लेते हैं, क्योंकि धारा 88, 89, 92 ये तीनों धाराएं चिकित्सा व्यवसायियों को फायदा देने के लिए ये प्राविधान आईपीसी में किया गया है कि चिकित्सा व्यवसायी अपने कार्य को ये बिल्कुल निडर होकर के निष्पादित करें और समाज का, सोसाइटी एट लार्ज का फायदा हो। धारा 92, सेक्शन 92 पूर्व की आइडेंटिकल समान धाराएं धारा 88, 89 में सहमत के प्रश्न पर थोड़ा और आगे बढ़कर डॉक्टर को और एम्पावर करती है। ये धारा 92 जो है ये भी चिकित्सा व्यवसायी के फायदे के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए धारा है, और यह थोड़ा सा और बढ़ करके चिकित्सा व्यवसायी या डॉक्टर को और एम्पावर करती है। और धारा कहती है कि उस लाभार्थी के संरक्षक या उसकी ओर से सहमत प्राप्त करना संभव न रहा हो, अर्थात तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है, तो ऐसे डॉक्टर को धारा 92 संरक्षण प्रदान करती है। तत्काल इमरजेंसी हो, एग्जीजेंसी हो, बहु अत्यावश्यक और अत्यावश्यकता हो और तत्काल
डॉक्टर को एकटा पान करना मस्ट हो, नहीं तो किसी की जीवन की ये जो परेशानी है वह उसका जीवन बच नहीं सकता है। तो डॉक्टर को यह धारा बढ़ करके सशक्त करती है मित्र, और ये धारा कहती है कि कार्य उस व्यक्ति के लिए फायदे के लिए किया गया हो, कार्य सद्भाव गुड फेथ में किया गया हो, मामले की परिस्थितियों के अनुसार युक्त युक्त रहा हो। युक्त युक्त शब्द आ गया मित्र, यह धारा एक रीजनेबलनेस युक्त युक्तता रीजनेबलनेस की बात करती है मित्र, कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार वह कार्य बिल्कुल युक्त युक्त रहा हो। उदाहरण के लिए मित्र, सपोज एक आदमी जो है घुड़सवारी से घोड़े से गिर गया हो और उसके सिर में गंभीर चोट आ गई हो, वहां पर शल्य चिकित्सक हो और उसकी नजर में यह अत्यावश्यक हो कि तत्काल इसके सिर का ऑपरेशन होना चाहिए, और वह वहां पर यह नहीं देखता है कि वहां कोई हमको सहमत देने वाला है नहीं देने वाला है, उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सद्भाव पूर्वक जो है उस व्यक्ति का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में अगर वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह बात कोई अपराध नहीं है, डॉक्टर कोई अपराध नहीं किया। मित्र यह धारा 92 के फुलफिल होने के लिए इन मामलों में यह बचाव कतई नहीं मिलेगा। ये बचाव कहती है धारा, साशय मृत्यु कारित करने पर पता चले कि आप जो है बिना किसी की सहमत लिए इंटेंसली किसी की मृत्यु कारित कर दिए, कार्य मृत्यु को गंभीर चोट को किसी घातक बीमारी के निवारण के लिए किया गया हो, तत्काल वो घोड़े से गिरे हुए हैं और वो बेहोश हैं विक्षिप्त हैं और डॉक्टर कहता है कि नहीं इनके जो मस्तिष्क का ऑपरेशन जरूरी है, तो यह कार्य मृत्यु और गंभीर चोट को किसी घातक बीमारी के निवारण के लिए किया गया हो, उपरोक्त में से किसी कार्य का दुष्प्रेरण करने पर यह बचाव नहीं मिलेगा। अबिटमेंट भी इस धारा में प्रोहिबिटेड है और यह धारा अबिटमेंट को सपोर्ट नहीं करती है और कहती है कि दुष्प्रेरण इसको सपोर्ट नहीं करे। उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको जिक्र किया मित्र कि सिर का ऑपरेशन जरूरी था और बिना सहमत के समय की मांग देखते हुए डॉक्टर ने उनका जो है ऑपरेशन किया, भले ही उनकी मृत्यु हो जाती है डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। एक दूसरा उदाहरण से और इजियर कंफर्टेबली समझेंगे मित्र, एक व्यक्ति को मुंह में दबाकर बाघ जो है जा रहा है, एक व्यक्ति वहीं खड़ा है, वह गन उसके पास है और गन लोडेड गन है और वह अगर गोली चलाता है तो संभव है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए जिसके मुंह में जिसे बाघ ने मुंह में दबा रखा है, लेकिन रिस्क लेते हुए एक व्यक्ति ने गोली चलाया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ पर उसको जो है दायी नहीं ठहराया गया क्योंकि उस व्यक्ति के फायदे के लिए उसने गोली चलाया था। अब उस समय बाघ के मुंह में मृत्यु के मुंह में वो आदमी जो है बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल उसी में दुरुस्त बिल्कुल फंसा हुआ है, तो ऐसे बाघ को मृत कारित करने के लिए अगर गनशॉट इंजरी से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की कोई त्रुटि कोई गलती नहीं है। इस प्रकार धारा 88 सेक्शन 88 89 92 जो मुख्य रूप से डॉक्टर के कार्य को संरक्षण प्रदान करती है मित्र, यह संरक्षण व्यक्ति के फायदे के लिए है परंतु ऐसा फायदा पिकनरी नहीं होगा मित्र, धन संबंधी फायदा नहीं होगा, ये फायदा जो है शरीर स्वास्थ्य जीवन संबंधी होना चाहिए, उसके उसे धन के लिए फायदे के लिए कोई कार्य नहीं है। यह धारा कहती है कि मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88 89 एंड 92। इन तीनों धाराओं में पिक्यूनरी बेनिफिट है तो वह इसमें कवर्ड नहीं है और यह धारा उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। और उदाहरण के लिए और इसको समझा जाए मित्र, पता चले कि किसी को किसी बच्चे को अंग भंग कर दिया जाए, उसको नपुंसक बना दिया जाए भीख मांगने के लिए कि भीख मांग कर अपना जीवन यापन करेगा, कतई अलाउड नहीं है इसमें, क्योंकि यह पिक्यूनरी और वो भी इलीगल पिक्यूनरी लाभ के लिए उसके लिए किया जाता है, उस बच्चे के नेचुरल फिजिक को
कन्वर्ट करके उसको जो है इम्पोर्टेंट बना करके उसको भिक्षाटन के लिए उपयुक्त बनाया जा रहा है, ये कितना घृणित कार्य है। इसके लिए ऐसा भी संभव है, ऐसा कार्य किया गया है, नहीं तो ये बात कानून में आती नहीं। ऐसे भी डॉक्टर हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोगों का समूह है जो कि एक अच्छे खासे भले व्यक्ति को ये लोग इम्पोर्टेंट बनाकर अपने गिरोह में शामिल करके भिक्षाटन कराते हैं। 18 वर्ष से कम आयु की महिला है और ये कहा जाए कि महिला के लाभ के लिए उसके साथ वेश्यावृत्ति करवाना ये कतई अलाउड नहीं है, उसके लाभ के लिए, एक पिकनरी लाभ के लिए और इलीगल लाभ के लिए आप जो है उसको जो है इस तरह से के कृत्य में वेश्यावृत्ति में उसको ढकेलना, ये बिल्कुल कानून इसको समर्थन नहीं देगा। और कानून आजकल तमाम सुनने में आता है मित्र, प्रतिष्ठा झूठी ख्यात के चक्कर में किसी की हत्या कर देना। अभी बहुत रिसेंट पास्ट में घटनाएं हुई हैं, थोड़ी थोड़ी प्रतिष्ठा और ख्यात के चक्कर में बच्चियों को गोली मार देना। एक उदाहरण, बहुत ही सटीक उदाहरण इस धारा के इस इंग्रेडिएंट को ज्यादा क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है मित्र। और वो कहता है कि डकैतों की टोली आ रही हो और गृहस्वामी को पता चले कि डकैत मेरे घर में अब हमला करने वाले हैं, उन्होंने अपनी गन उठाई और घर की जवान औरतों को गोली मार दिया। क्यों? क्योंकि वो डकैत आएंगे और इनके साथ व्यभिचार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, बलात्कार करेंगे, इससे अच्छा है इनको गोली मार दें। ये कतई कानून सपोर्ट नहीं करता है, ये झूठी प्रतिष्ठा और ख्यात के चक्कर में, और इसको जो है डकैतों द्वारा इज्जत लूटे जाने की आशंका को देखते हुए किसी को इस भय में जान मार देना, ये बिल्कुल कानून सपोर्ट नहीं करता है। मित्र, आज हम लोगों ने धारा 88, धारा 89, धारा 92 आईपीसी भारतीय दंड विधान की धाराएं, ये डॉक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, ये धारा फायदे के लिए सहमत के आधार पर हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वैसे भी, और जनरली सोसाइटी को नॉलेज के लिए ये बहुत ही धाराएं जो है अच्छी हैं। मेरा निवेदन है कि आप संपूर्ण वीडियो सुनें और अकॉर्डिंगली जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार और बाय बाय।